नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि घर में किन पांच चीजों को सही करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों आप अपने घर में कुछ चीज़ों को सही करने से आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यदि दोस्तों आप वास्तु शास्त्र को मानते हैं तो वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि नकारात्मक ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके घर में मानसिक तनाव पैदा करती है, घर में झगड़ा कलेश भावना बढ़ाती रहती है। अगर दोस्तों इसके साथ साथ घर में बरकत नहीं हो पाती है तो हो सकता है दोस्तों घर में छुपा इसके पीछे कोई वास्तु दोष हो। अगर दोस्तों आपको लगता है कि घर में आर्थिक समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दक्षिण कोने में किसी भारी सामान को रख दें, इससे दोस्तों आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आ जाएगा और दोस्तों धन प्राप्ति के योग भी बनने लगेंगे। तो हमें घर की दीवारों के रंग पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दिशा में उत्तर दिशा में नीला रंग होना चाहिए, लाल रंग भूल कर भी ना कराएं। दोस्तों इसके साथ साथ तो ये ध्यान रखें कि किचन टॉयलेट के पास में ना हो। तो धन के आगमन के लिए जरूरी है कि किचन में झाड़ू डस्टबिन या वॉशिंग मशीन ना रखें। दोस्तों अपने घर का दरवाजा बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दरवाजों की संख्या 2, 4, 8, 6, 8 संख्या में हो। और दोस्तों ये भी ध्यान रखें कोई दरवाजा अगर टूटा हो तो उसे तुरंत बदलवा लें। इसके अलावा दोस्तों हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति घर के दक्षिण पश्चिम कोने में लगाएं। तो ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना असर नहीं डाल पाएगी। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।